दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि इस सिलेंडर ब्लॉक को हम कितना बार बोर करा सकते हैं, यानी कि जब हमारी गाड़ी धुआं मारती है तो हम सिलेंडर ब्लॉक को बोर कराते हैं या फिर सिलेंडर ब्लॉक चेंज कर देते हैं या फिर सिर्फ रिंग चेंज कर देते हैं और इस तरीके से गाड़ी का धुआं बंद हो जाती है। लेकिन इस तरीके से अगर हम गाड़ी का सिलेंडर ब्लॉक को बोर कराते हैं, रिपेयर कराते हैं, तो इसके लिए हमें कितना बार कराना चाहिए, जो मैक्सिमम हमें बोर कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, वो चीज़ें हम डिटेल्स में जानने वाले इस वीडियो में। अगर आप भी मेरे चैनल पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही मोटरसाइकिल से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूं। तो देखिए हमारे पास ये हीरो कंपनी का सिलेंडर है और साथ में ये पिस्टन है, साथ में इसके अंदर रिंग लगा हुआ होता है। ये रिंग घिस जाने की वजह से गाड़ी धुआं मारने लगती है और इसके वजह से हमें सिलेंडर ब्लॉक को बदलना होता है, पूरा किट बदलना पड़ता है। किट में जो होता है ये सिलेंडर ब्लॉक, पिस्टन, रिंग, ये पूरा सेट आता है, जो बदलने से धुआं बंद हो जाती है। अब बहुत बार ऐसा होता है कि जब पहली बार ये गाड़ी खुलती है तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि इस ब्लॉक को हम चेंज नहीं करके सिर्फ अंदर का जो ये पार्ट होता है, ये पिस्टन और रिंग, इसी को हम चेंज करते हैं। और जब करते हैं तो उस टाइम में हमें ओवर साइज का लगाना पड़ता है। ओवर साइज ये होता है कि कंपनी से जीरो साइज आता है और जब दूसरी बार हम लगाएंगे तो जीरो से लेकर 25 तक आएगी। और 25 नंबर का जब हम पिस्टन नया लेंगे तो इसके अंदर ये आती नहीं है, ये इसके अंदर आता नहीं है, ये टाइट रहता है, इसके अंदर पाएगा नहीं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि सिलेंडर ब्लॉक को इसको कट इन करवाते हैं, इसके हिस्से को, लाइनर को कट इन करवाते हैं और इसका साइज बनवाते हैं, इसी को हम कहते हैं बोर। अब इस तरीके से हम कितना बार करा सकते हैं, जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से हम कितना बार करा सकते हैं अपनी गाड़ी का, वो चीज़ हम जान लेते हैं। तो ऐसे में दोस्तों सभी का अलग अलग हिसाब होता है। हमारे यहाँ जो हम जो काम करते हैं, हमने ज़्यादातर 75 तक बोर किया है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर दिक्कत हो पब्लिक को, ज़्यादा अगर दिक्कत होता है कस्टमर को पैसे की, तो हमने 75 तक का बोर किया है और उससे ज़्यादा भी तक नहीं किया है। लेकिन अगर देखा जाए शहर में बहुत सारे जगह ऐसे हैं जो वहाँ पर 100 से ऊपर ही इसको बोर करा देते हैं। तो साहब मैं आपको बता दूँ कि इसको कितना बार हम बोर करा सकते हैं। तो बोर हम दोस्तों कई बार इसे करा सकते हैं, लेकिन इससे पहले हम इसका साइज़ जान लेते हैं। इसका साइज़ जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंपनी से आती है स्टैंडर्ड, उसके बाद आएगी 25, फिर आएगा 50, फिर 75, फिर 100, 125, 150 हो जाएगा और फिर यहाँ 200 आ जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ तक ये पिस्टन आती नहीं है, यहाँ तक कोई कराता नहीं है और इतना दूर तक कोई सोचता भी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये इसका सिलेंडर ब्लॉक नहीं मिल रहा है तो लोग क्या करते हैं कि 100 नंबर तक वो बोर करा देते हैं, यूं ही करा देते हैं, ठीक है। और इस तरह की बाइक में भी 100 तक बोर करा देते हैं, हालांकि इस तरह के सिलेंडर ब्लॉक उपलब्ध है मार्केट में। हम जो काम कराते हैं, अगर इसका साइज ये पिस्टन यानी कि ब्लॉक नहीं मिल रहा है, हम ज़्यादातर जो मैंने आपको बताया कि 75 तक हम बोर कराते हैं, 75 वो भी नहीं सिलेंडर ब्लॉक नया नहीं मिलने पर। लेकिन ज़्यादातर जो हम करते हैं कि अगर गाड़ी अगर पहली बार खुल रही है तो हम इसका अगर रिंग बदल दिए या फिर से पहली बार हम इसको बोर करा दिए 25 नंबर का, ज़्यादा से ज़्यादा हम 50 करा दिए, उसके बाद हम ब्लॉक को चेंज करते हैं। हम कस्टमर को हमेशा कहते हैं कि ब्लॉक को चेंज कर दो, इंजन की साउंड अच्छी मिलेगी, पिकअप अच्छी मिलेगी और माइलेज भी सही मिलेगी। अब अगर वो तैयार नहीं होता है तो उसके लिए फिर यही तरीका अपनाना होता है हर मैकेनिक को कि उसके ओवर साइज़ का पिस्टन दे दें और फिर वो लगा के फिनिशिंग कर दें। तो मैंने आपको जो बताया कि इसका जो साइज होता है 200 तक साइज होता है, लेकिन मैक्सिमम हम इसको कितना बार करा सकते हैं, मैक्सिमम दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि आप इसको कम से कम 50 तक करा सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा अगर कराते हैं तो पेट्रोल ज़्यादा लेने लगता है, गाड़ी चलाने में भारी लगती है, पिकअप वो जो बनना चाहिए वो नहीं बनता है, क्योंकि बड़ा पिस्टन होने की वजह से गाड़ी का पिकअप डाउन कर जाती है, ताकत बढ़ जाता है, लेकिन माइलेज भी घट जाती है दोस्तों इसके साथ साथ। तो इसके साथ साथ माइलेज भी घट जाती है। तो मैंने आपको बता दिया कि ये कितना साइज़ का आता है और इसको कितना बार बोर करा सकते हैं। बोर आप चाहे तो जितना बार करा सकते हैं, लेकिन फ़ायदा किस में है और नुकसान किस में है। फ़ायदा दोस्तों एक तरह से अगर देखा जाए तो हमें सिलेंडर ब्लॉक को चेंज करने में फ़ायदा है ना। अगर हीरो होंडा की सिलेंडर ब्लॉक अगर नया लेते हैं तो 1700 रुपये तक का आ जाता है, 1600 रुपये तक का आ जाता है, 1700-1600 रुपये इतना तक का ये सिलेंडर ब्लॉक हीरो होंडा का आ जाता है। अगर हम इस पिस्टन को ख़रीद कर अगर इसके अंदर हम बोर कराते हैं तो इसके लिए हमें 900 रुपये 850 रुपये लमसम में इसका पड़ जाता है। अब देखिए हमें इतना फ़ायदा कितना हो रहा है, इस पिस्टन को अगर बोर करा के 900 रुपये तक पड़ रहा है तो इसमें आपका फ़ायदा कितना हुआ, 700 रुपये 800 रुपये इतना फ़ायदा हुआ दोस्तों। इतना फ़ायदा होने के चक्कर में अगर आपकी गाड़ी का पेट्रोल ज़्यादा खाने लगे, पिकअप वो ना बने जो पहले बनती थी, तो इसमें 700 रुपये बचा के में क्या मिलेगा।
तो इसीलिए मैं हर कस्टमर से को सलाह देता हूँ कि आप क्या करेंगे, सिलेंडर ब्लॉक को चेंज कीजिए। लेकिन दोस्तों सिलेंडर ब्लॉक चेंज करने से पहले भी हम एक चीज़ देखते हैं कि मार्केट में सिलेंडर ब्लॉक किस कंपनी का है और कौन सा ब्लॉक कितना चलता है नहीं चलता है। हमने ज़्यादातर देखा हीरो कंपनी की जो ब्लॉक अब आ रही है वो अब अच्छे तरीके से चलती नहीं है। अगर हम इस नया पिस्टन को दे देंगे 25 ओवर साइज का, अगर पिस्टन हम दे देंगे इस बोर करा के नया पिस्टन कर दे देंगे तो नया सिलेंडर ब्लॉक से ये ज़्यादा चलता है। कारण है कि कंपनी से जो ये ब्लॉक आता है ना, ये पिस्टन लूज आता है और साथ में कंपनी की जो फिटिंग है, फिनिशिंग है, वो बाहर जो प्रोडक्ट मिल रही हीरो की, वो इसकी जो फिनिशिंग है वो सही नहीं मिल पा रही है। तो बेहतर यही होता है कि अगर आपकी गाड़ी पहली बार अगर खुल रही है तो आप एक बार 25 नंबर का बोर कराएं, 50 नंबर का बोर कराएं। तो दोस्तों बहुत बार हम ऐसा भी करते हैं कि न्यू सिलेंडर ब्लॉक हीरो का नहीं लेकर हम उषा का या फिर गोज का भी डाल देते हैं अच्छा चलने के लिए, क्योंकि वो हीरो से ज़्यादा उषा गोज का ज़्यादा चल जाता है, उसकी फिनिशिंग भी अच्छी होती है। तो मैकेनिक के हिसाब से आप काम कराएँ। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि कितना बार इस सिलेंडर ब्लॉक को बोर करा सकते हैं, आपको किस में फ़ायदा है किस में नुकसान है वो आप अपने हिसाब से सोच लीजिए। मैंने आपको बता दिया कि इसे अगर बोर कराते हैं तो कितना लग जाता है और इसे अगर बोर नहीं कराते हैं तो कितना लग जाता है, आपको क्या काम कराना चाहिए। बेहतर तो यही रहेगा कि आप एक मैकेनिक के जरिए सही सलाह के माध्यम से काम कराएं, मैकेनिक जो कहता है वही काम कराएं, ये नहीं कि अपने मन से। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ हर वीडियो में कि कस्टमर लोग क्या करते हैं कि अपना अपना दिमाग लगाते हैं, यार यही काम कर दो वही काम कर दो, पैसे कम है, इस तरह की पैसे सोच कर, या वो ये सोचते हैं कि मैकेनिक पैसे ज़्यादा अखा मकाम में बारे पैसे ज़्यादा बर्बाद कर रहे हैं, वो फालतू का बिल बना रहे हैं। तो इस तरह का सोचना छोड़ दिए, वो चाहता है कि आपकी गाड़ी अच्छी बने, अच्छे साउंड आए, ठीक है, अच्छा साउंड आए। इनके वजह से दोस्तों वो चाहते हैं कि हम सही पार्ट डालें, हर पार्ट चेंज करें जो अच्छी से अच्छी साउंड आए इंजन के अंदर से। और आप लोग कहेंगे कि मैकेनिक लोग पैसे ज़्यादा बर्बाद कर रहे हैं हमारे, तो ये सब सोचना दोस्तों छोड़ दीजिए, ठीक है। तो आप मैकेनिक के जरिए सही काम कराएं, जब भी आपकी गाड़ी में कोई कंप्लेन आती है इंजन के अंदर से, उनसे एक बार सलाह लें कि इसमें अंदर क्या काम करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि ये मैकेनिक सही नहीं है, वो हमें सही नहीं सलाह दे रहा है, तो आप दूसरे से एक बार पूछताछ करके देखें कि क्या सही क्या गलत है, तो उसके बाद संतुष्ट होकर आप काम कराएं, ठीक है। दोस्तों उम्मीद है कि इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मैं हूं कासिम ओटो, झारखंड गोड्डा नरेनी से, मेरा पिन कोड 81454। और इसी तरीके से अगर काम कराना चाहते हैं हमारे पास, अगर हमारे अपना नज़दीकी कस्टमर है गोड्डा डिस्ट्रिक्ट या फिर महागमा प्रखंड होता है, जो मैं हनवारा के करीब से हूँ, अगर आप मैं तो ये नहीं जानता कि आप मेरे नज़दीकी है, क्योंकि हमारा नज़दीकी सब्सक्राइबर बहुत कम है। अगर आप ये जानते हैं कि नरेनी कब्रिस्तान के सामने एक कासिम ऑटो मैकेनिक है, तो आप हमसे ज़रूर संपर्क करें, मैं काफ़ी अच्छी सलाह दूंगा आपको। अगर आप ऐसे ही पूछना चाहते हैं, कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, तो मैं आपको बताऊँगा, आप चाहे काम कहीं से भी कराना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन आप मुझसे पूछ कर ज़रूर जाएं, या फिर अगर पसंद हो तो आप मेरे पास काम भी करा कर देखें एक बार। मेरा एक्सपीरियंस है 2012 से, मैं अपना वर्कशॉप नरेनी में ही हमारा चल रहा है, और आप हमसे हमारे पास आए और हमारे बारे में कुछ जानें। थैंक यू।